अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर गोश्त का टिकिया बनाएंगे और ये मटन है जिसको मैंने क़ीमा कर लिया था। ये मटन का क़ीमा है और यहाँ पर मसाले देख लेते हैं। ये गरम मसाला पाउडर और ये क्यूमिन पाउडर है यानी ज़ीरा पाउडर, ये टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर, ये ब्लैक पेपर पाउडर है यानी काली मिर्च पाउडर और ये धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। ओके, अब यहाँ पर हम कच्चे मसाले प्याज देख लेंगे। ये प्याज है 1.5 अनियन है यानी डेढ़ प्याज और ये धनिया पत्ती और मिर्चें मैंने 5 से 6 मिर्चें मैंने ले ली हैं और ये ग्राम फ्लावर है यानी बेसन, इसे 3 से 4 टीस्पून मैंने ले लिया है। और अब हम ये क़ीमे में सारे मसाले को मिक्स कर देंगे। आइए देखते हैं। ये सारे मसालों को भी मैंने मिक्स कर दिया है, ग्राम फ्लावर भी ऐड कर दिया है, प्याज जो भी थे अनियन सारे यहाँ पर मिक्स कर दिया है। और अब हमें जैसे ज़रूरत होगी वैसे हम थोड़ा ऑयल भी ऐड करेंगे और ग्राम फ्लावर भी ऐड करेंगे यानी बेसन। यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से बिल्कुल, और नमक अच्छे से डाल के इसे मिक्स कर लेना है। ये ग्राम फ्लावर है, मुझे यहाँ पर ज़रूरत लगी तो मैंने थोड़ा और ऐड कर लिया है। बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स करके आइए देखते हैं। और ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं यहाँ पर जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ, ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं सिवाय सिर्फ यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। और अब यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करके टिक्की बना लेंगे। यहाँ पर हम अच्छे से टिक्की बना लेंगे। आपको जितनी बड़ी टिक्की चाहिए आप उस हिसाब से बनाएं। थोड़ा ऑयल अपने हाथ में ऐड करें और देन अब टिक्की बनाना स्टार्ट करें। ये देखिए टिक्की बन रही है, टिकिया जैसे हम बोलते हैं, गोश्त का टिकिया। आप इसे किसी भी गोश्त से बना सकते हैं, आप चाहे तो चिकन से बनाएं, मटन से बनाएं, और जैसी आपकी मर्ज़ी जिस गोश्त से आप बनाना चाहें बिल्कुल बना सकते हैं घर में। ये बिल्कुल होटल वाली जैसी टेस्ट बनेंगी टिक्की की, जैसे आप होटल में ख़रीद के खाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप बिल्कुल आसानी से अपने घर में बनाएं खाएं। ये अब हम सारी टिक्की बना लेंगे यहाँ पे एक एक करके। देखिए ये सारी टिक्की मैंने बना ली है, इसे गोल गोल करके मैंने थोड़ा सा हल्का दबा दिया है, चिपटी टाइप की टिक्की बना दी है। अब इसे हम अच्छे से बिल्कुल फ्राई कर देंगे और इसे ऑयल अच्छे से इसमें मिक्स करें ताकि आपका जो आपकी जो टिक्की है वो बहुत अच्छे से बन जाए यहाँ पर सारे। अब हम यहाँ पर इसे फ्राई करने का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर ऑयल ऐड करेंगे पैन में, यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसे हम गर्म करने के लिए थोड़ा छोड़ेंगे। ये यहाँ पे देखिए मेरा ऑयल गरम हो गया। अब हम एक एक करके इसमें यहाँ पर टिक्की को ऐड करते जाएंगे ऑयल में। फ्लेम बिल्कुल धीमा रखें, मतलब धीमा रखिएगा तो आपकी टिक्की अच्छे से बन जाएगी। ये देखिए सारी टिक्की मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है टिकिया को, और अब हम स्लो फ्लेम में यहाँ पे इसको पकाएंगे अच्छे से बिल्कुल। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, अच्छी लग रही है बिल्कुल देखने में। ये देखिए अब हम इसे पका लेंगे। देखिए एक साइड की मैंने इसे 5 मिनट से 10 मिनट छोड़ दिया है तो ये एक साइड पक गई है। अब हम इसे अच्छे से पलट देंगे एक एक करके, इसे थोड़ा वक्त दे पकने में, ये बहुत अच्छे से बनेगी और ध्यान रखें ताकि ये जले नहीं। देखिए यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल पलट दीजिए इसे, और इसे आप चावल के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी कोई मेहमान आए तो आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद आने वाली है तो हम इसे रेसिपी को बना के ट्राई कर सकते हैं, अच्छी रेसिपी है। मेहमानों के सामने अक्सर बकरीद में हम यही देते हैं तो इसे आप बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से पलट गई है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे, 5 से 10 मिनट आप देख लें अच्छे से, और इसे पकने के लिए छोड़ दें। और अब हम देखते हैं कि ये हमारी टिक्की कैसे तैयार हुई है, मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। देखिए ये बिल्कुल कितनी रिच ब्राउन कलर हुई है, कितनी खूबसूरत लग रही है। ये खाने में भी यकीन मानिए बहुत टेस्टी थी। आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।